उत्तरायण पर्व जीवन में सम्यक क्रांति का संदेश देता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी पुण्यकाल है दोपहर 2:30 बजे से सूर्यास्त तक और 15 जनवरी को आद्रा नक्षत्र योग रात्रि 12:58 से 16 जनवरी रात्रि 2:09 तक रहेगा। इस योग में किया हुआ ओमकार जप अक्षय फलदायी होता है। उत्तरायण को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह देवताओं का प्रभात काल है। सूर्य के उत्तरायण होने पर भी भीष्म पितामह ने माघ शुक्ल अष्टमी के दिन स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था और उनका श्राद्ध संस्कार भी उत्तरायण काल में हुआ था। उत्तरायण पर सूर्य उपासना का महत्व। इस पर्व पर सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। पवित्र होकर विशुद्ध मन से तांबे के कलश या किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें कुमकुम, लाल चंदन और लाल रंग के फूलों को डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इससे तन, मन और भाव तीनों की शुद्धि होती है, बुद्धि प्रखर होती है तथा सूर्य के प्रकाश में निहित रोग नाशक शक्ति का लाभ भी मिल जाता है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भगवान सूर्य की प्रसन्नता मिलती है। मकर संक्रांति पर पुण्यमय कर्म जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस पर्व पर पितरों की आत्मा की शांति तथा अपने स्वास्थ्य संवर्धन व सर्व कल्याण के लिए तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना चाहिए, जैसे तिल का उबटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल मिश्रित भोजन तथा तिल दान। ये सभी पाप नाशक व पुण्यदायक प्रयोग हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र तीर्थों, नदियों या कुप में स्नान करने का महत्व है। यदि संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर या गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान करने से भी पुण्य लाभ होता है। जप, ध्यान, दान, श्राद्ध, तर्पण का विशेष महत्व है। इस दिन गायों व पशु पक्षियों को चारा, अनाज, तिल, गुड़ आदि खिलाना चाहिए। सूर्य उपासना और सूर्य किरणों का सेवन, सूर्य देव का ध्यान। अगर सूर्य देव का भ्रू मध्य में ध्यान करते तो बुद्धि विलक्षण लक्षणों से संपन्न होती है। जहां भी विद्यार्थी सुन रहे अथवा उनके हितेशी सुन रहे हैं, उनके माता पिता या सगे संबंधियां, प्रोफेसर या शिक्षक, हेडमास्टर जो भी सुन रहे हैं देश विदेश में, वे बच्चों का परम हित साधने के लिए सूर्य उपासना की थोड़ी सी पद्धति जान ले। आज के दिन तो सूर्य देव का ये मंत्र जप करना बहुत हितकारी रहेगा और दिन भी करें तो अच्छा है। सूर्य देव का मूल मंत्र में उच्चारण करता हूं, आप जीभ तालु में लगा देना। अश्रद्धालु को अथवा नास्तिक को, विधर्मी को ये मंत्र नहीं फले। ये तो भारतीय संस्कृति के सपूतों के लिए है, बीज मंत्र है सूर्य देव का। बुद्धि बढ़ाना हो बच्चों की तो इस मंत्र की महिमा पहले सुनाओ, फिर बच्चों की भूख जगाओ, बाद में उनको बताओ। नहा धो के बाहें कान में, दाहें कान में उंगली डाले, बाहें कान से सुनाओ। मंत्र है ओम ह के नीचे रेफ और ऊपर बिंदी और मात्रा, राम ह्रीम ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। इससे तुम्हारे वो केंद्र, सूर्य केंद्र सक्रिय होंगे और भगवान सूर्य के साथ तुम्हारी बुद्धि
अगर भ्रूमध्य में करोगे तो तुम्हारी बुद्धि के अधिष्ठाता देवता की कृपा विशेष आएगी बुद्धि में। अगर नाभि में सूर्य देव का ध्यान करोगे तो आरोग्य केंद्र सक्षम रहेगा, आप बिना दवाइयों के निरोग रहोगे जैसे बापू और बापू के बापू लीलाशाह भगवान रहते थे। संक्रांति का स्नान 7 जन्मों के रोग और पाप और निर्धनता को हर लेता है। जो उत्तरायण के दिन ध्यान स्नान नहीं कर पाता वो 7 जन्म तक रोगी और दरिद्र रहता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। संक्रांति के दिन, आज उत्तरायण का संक्रांति का पर्व है, संक्रांति के दिन देवों को दिया गया हव्य और पितरों को दिया गया कव्य सूर्य देव की करुणा कृपा के द्वारा भविष्य के जन्मों में कई गुना करके तुम्हारे लिए लौटाया जाता है। संक्रांति के दिन किए हुए शुभ कर्म करोड़ों गुना फलदायी होते हैं। धन धान्य धर्म आयु यश राज्य सत्ता पुत्र सुख आदि में वृद्धि होती है। कई लोग स्वभाव के ऐसे वैसे होते, पढ़ाई में ऐसे वैसे होते, फिर भी उनके पास धन धान्य पुत्र आयु आदि की वृद्धि देखी जाती है तो पूरे पूर्व काल में सूर्य देव की उपासना की है, उत्तरायण की उपासना की, उत्तरायण के दिन हव्य और गव्य दिया है, इसी का फल समझना चाहिए। मकर संक्रांति में ऋतु परिवर्तन के साथ सेहत का रहस्य छिपा है। उत्तरायण पर तिल गुड़ खिचड़ी मूंगफली आदि पौष्टिक पदार्थ खाए तथा खिलाए जाते हैं जो कि ऋतु अनुकूल होने से शरीर को रिष्ट पुष्ट करते हैं। इन दिनों दोपहर के भोजन के बाद तिल का एक लड्डू खूब चबा चबा कर खाने से याद शक्ति में खूब वृद्धि होती है। इस प्रकार शरीर के संतुलन को बनाए रखने तथा बुद्धि को तेजस्वी बनाने का रहस्य इस पर्व में छिपा हुआ है। आध्यात्मिक क्रांति का पर्व है मकर संक्रांति। आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेता पूज्य बापूजी कहते हैं, हे मानव, तू आज संकल्प कर कि अपने जीवन में सम्यक क्रांति संक्रांति लाऊंगा, अपनी तुच्छ गंदी आदतों को कुचल दूंगा और दिव्य गुण लाऊंगा। प्रतिदिन नींद में से उठते समय चिंतन करो, सारे सद्गुणों की खान, मेरा आत्मा परमात्मा दिव्य है, ओम ओम। सद्गुणों के मूल सत्य स्वरूप आत्मा में हम शांत हो रहे हैं, जिससे शांति प्रसन्नता और दिव्य गुण सहज में आने लगते हैं। इस पाठ को पढ़ते ही अभी से शुरू कर दो। संकल्प करो कि प्रतिदिन प्रार्थना जप ध्यान स्वाध्याय करूंगा और अपने जीवन को महान बनाकर ही रहूंगा। प्राणी मात्र के परम हितैषी परमात्मा की लीला में प्रसन्न रहूंगा। प्रत्येक परिस्थिति में सम रहकर अपने जीवन को तेजस्वी ओजस्वी और दिव्य बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। मकर संक्रांति का पर्व उन्नत होने का संदेश देता है। ऋषि मुनियों व ब्रह्मवेता महापुरुषों ने दिशाहीन मानव को सही दिशा देने के लिए सनातन धर्म में पर्वों व त्योहारों की सुंदर व्यवस्था की है। यह व्यवस्था आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति, चित्त शुद्धि, संकल्प शक्ति की वृद्धि, ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा के विकास, वातावरण की पवित्रता, विचारों को उच्च एवं परिष्कृत करने, आत्मिक आनंद उल्लास प्रकटाने तथा उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए है। कोई सत्पात्र सासी 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहे तो आत्म साक्षात्कार भी कर सकता है। ऐसे त्योहारों में एक है मकर संक्रांति। मानव जीवन में व्याप्त अज्ञान, संदेह, जड़ता, कुसंस्कारों आदि का निराकरण कर मानव मस्तिष्क में ज्ञान, चेतना, ऊर्जा एवं ओज का संचार तथा मानव जीवन में सुसंस्कारों की प्रेरणा उत्पन्न कर सम्यक दिशा एवं सम्यक मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए क्रांति काल को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अर्थ है
कलुषित विचारों का त्याग और सत विचारों का आलंबन। संक्रांति क्या है? पृथ्वी का गोलाई में सूर्य के चारों ओर घूमना क्रांति चक्र कहलाता है। ज्योतिष में इसी को राशि चक्र भी कहते हैं। इस परिधि को 12 भागों में बांटकर 12 राशियां बनी हैं। इन राशियों का नामकरण 12 नक्षत्रों के आधार पर हुआ है। सूर्य एक राशि में एक माह अर्थात लगभग 30 दिन विचरण करता है, जबकि चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तब संक्रांति होती है। इस तरह हर महीने संक्रांति होती है, लेकिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का विशेष महत्व होता है, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। सूर्य के इस संक्रमण के साथ साथ जीवन का संक्रमण भी जुड़ा हुआ है। इस बात को हमारे पूर्वज जानते थे, इसलिए इस दिन को उन्होंने सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक प्राधान्य भी दिया है और निसर्ग के इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उसे जीवन व्यवहार के साथ भी गूंथ लिया है।